ये जो त्रिशूल दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ जी, ज्वालाजी माता आती है नैना देवी माता से मिलने के लिए, साल में 2-3 बार दर्शन होते हैं, मतलब नाखून के ऊपर आ जाती है जी, फूल के ऊपर, और जो बर्फी बेसन होता है उसके प्रसाद के ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा, साक्षात दर्शन होते हैं। एक ये हवन कुंड है जी, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1.25 साल तक यहाँ तपस्या की थी और साक्षात दर्शन किए थे, और इसकी जो गहराई है ना हवन कुंड की, वो आधा फीट ही है सारी। आधा फीट? हाँ। अच्छा, सारा बीच में जितना भी हवन करती हैं सारा बीच में समा जाता है। आधा फीट जितना मर्जी हवन कर लो, आधा फीट के बीच में सब समा जाता है, सारा कुछ समा जाता है। यहाँ पर साक्षात यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने माता नैना देवी माता के दर्शन किए हैं। ये जो हवन कुंड है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1.25 साल तक यहाँ तपस्या की थी और यहाँ से साक्षात दर्शन किए थे उन्होंने। इसकी जो गहराई है वो आधा फीट है सारी टोटल। अच्छा, और जितना मर्जी हवन कर लो बीच में समा जाता है, कभी खाली नहीं करते हैं इसको। कभी खाली नहीं करते, मतलब जो भभूति लगाते हैं माथे पर लगाते हैं, थोड़ी बहुत घर के लिए देते हैं, ये बीच में समा जाती है, निकाला नहीं, कभी खाली नहीं किया हुआ इसको। आज तक कभी नहीं खाली नहीं किया? कभी नहीं किया। चोलियां फैला के सारी।